बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का इस वीडियो में। एक वीडियो हमने आपको दिया था, इसके पहले हमने बनाया था कि केंद्रीय विद्यालय जो संगठन है KVS है, उसमें किस तरीके से जो एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट होती है उस पर मैंने ज्वाइन किया, KVS टीचर में कैसे बना, उस पर एक वीडियो जो है वो मैंने बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर आई बटन में ऐसे में लिंक मिल जाएगी जहाँ से आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप किसी भी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर आज जो हम बात करने वाले हैं, 10 से 15 मिनट का हम आपका समय लेंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS में आप संविदा पर, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है ये, किस तरीके से आप वहाँ पर जाकर के एक शिक्षक या शिक्षिका के पद को संभाल सकते हैं, उसके बारे में इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। आप सभी का अभिनंदन है, लास्ट तक वीडियो की आप जरूर बने रहिएगा एक एक चीजों को अच्छे तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए। यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी को लेकर के बात करेंगे, पात्रता योग्यता क्या कुछ है, आयु सीमा की बात करें कितना जो है आयु सीमा, जो एज लिमिट है वो रहेगी, सैलरी आपको कितनी मिलेगी, पोस्ट कौन कौन सी होती है, उन सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा कि आप फॉर्म KVS का कैसे फिल करेंगे, क्योंकि फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो ऐसे में आपके लिए दिक्कतें पैदा हो जाती हैं इंटरव्यू में, ये बात याद रखिएगा। इसमें कहीं भी रिटर्न एग्जाम नहीं होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में इंटरव्यू होता है, वो भी बहुत ही मस्त तरीके से, ठीक है। इंटरव्यू कैसे देना है, तो फॉर्म कैसे भरना है कि चीज़ें, वो भी मैं आपको बता दूंगा इसके बाद की वीडियो में। और इंटरव्यू आपको कैसे देना है, चाहे वो PRT का इंटरव्यू हो आपके प्राइमरी टीचर्स का, या फिर अगर मैं बात करूँ आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का, या TGT या PGT का, उन सभी के बारे में हम एक अगले वीडियो में जो है वो बात कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ जो आपकी लिखी हुई है बहुत अच्छी बात है। इसमें कहते हैं सीनियर सेकेंडरी, देखो भाई आपका हाई स्कूल इंटरमीडिएट बोला हुआ है यहाँ पे, 50% मार्क्स एंड इट्स इक्विवेलेंट करके। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो जो क्वालिफिकेशन होने चाहिए वो है क्या, जब हम PRT के बारे में बात करते हैं, ये सब सारी चीज़ें छोड़ करके, लखनऊ में जो पोस्ट निकली थी जिस पर मैंने अप्लाई किया था, सैलरी को भी लेकर के बात करेंगे, या आप केंद्रीय विद्यालय AMC लखनऊ देख पा रहे होंगे, ये 14/3/2022 का नोटिफिकेशन है। कुछ ऐसे ही नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर में निकलता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर वैकेंसीज आती हैं, इस समय भी लखनऊ में वैकेंसीज आई हुई हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा, अगर आती हैं तो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, लेकिन आप भी ज़रूर चेक करते रहिएगा। इसमें देखिए ज़रा क्या 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 कुछ इसमें लिखा हुआ है कि डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू, जो मुख्य चीज़ है वो डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू है। 28/3/2022 को सुबह 8 बजे आपको पहुँचना है। किन किन पोस्ट के लिए है, तो ज्योग्राफी PGT है आपका, सोशियोलॉजी PGT है, TGT में इंग्लिश साइंस सोशल स्टडीज़ और प्राइमरी टीचर, सॉरी TGT में इंग्लिश है, साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए। बाकी जरूरी नहीं कि आपके सभी विषयों के लिए निकले ही निकले, मान लीजिए आपने हिंदी से PGT किया हुआ है ऐसे में तो मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल इंग्लिश ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी के लिए निकला था, तो नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। फिर PRT टीचर के लिए भी 28 तारीख को ही क्या था, इंटरव्यू था। फिर उसके बाद 29 तारीख को नेक्स्ट डे जो इंटरव्यू था वो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डांस कोच है यहाँ पर, आर्ट क्राफ्ट, क्राफ्ट को लेकर के बात करें तो ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। आते हैं एलिजिबिलिटी पर, कौन कैसे कुछ भर सकता है, कैसे आप पता लगाते रहेंगे, कैसे आप उसे चेक करते रहिएगा, जरा इस पर देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे लिखा है जो, चलिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो आयु सीमा है वो बिल्कुल से परेशान मत हो, 65 साल है भाई, ठीक है, 65 ईयर 64-65 साल के भी हो तो भी आप जो है ऐसे में अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात आती है क्या इसमें CTET मांगते हैं, तो महाराज आपका CTET जो है वो पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका CTET जो है अगर आप पास नहीं हैं तो कहीं कहीं KVS में होता है जो अदर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंसिडर कर लेते हैं, ले लेते हैं, बट CTET कंपल्सरी है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन अगर आपका CTET पास नहीं है तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, मैं बोला कभी कभी वो कंसीडर कर लेते हैं UPTET को भी, या ले लेते हैं TET पास को भी, ठीक है। अब बात आती है जैसे यहाँ पर देखिएगा, सारी शैक्षिक योग्यताएं दी हुई हैं कि अगर आप PGT अंग्रेजी भूगोल समाजशास्त्र के लिए जाना चाह रहे हैं तो उसकी क्या कुछ योग्यता है। इसका PDF मैं आप टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर भेज दूंगा, जहाँ पर आप आराम से इसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर एक बात याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम शिक्षण में प्रवीणता, मतलब कहने का महाराज ये है कि इंग्लिश जो है वो आपको बोलनी आनी चाहिए, ठीक है, अंग्रेजी आनी चाहिए, हिंदी तो आपको आती ही आती है, इंग्लिश में अब जैसे आपने इंग्लिश सुना तो आप परेशान हो गए होंगे कि अरे अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, तो बिल्कुल से टेंशन ना लीजिए। जब इंटरव्यू के टाइम पे किस तरीके से इंटरव्यू आप देंगे वो मैं आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं कि अंग्रेजी ही वहाँ पर झाड़ी जा रही हो,
ठीक है, वहां पर आप हिंदी में भी अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आपसे अगर वो बोल रहे हैं कुछ चीजें, खैर ये तो हम इंटरव्यू के टाइम का जो वीडियो होगा उसी पर बात करेंगे, लेकिन बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक हिंदी भाषी छात्र जो थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी जानता है वो सेलेक्ट हो सकता है। ठीक है, फिर बात आती है आपका यहाँ पर, चलो भाई ये टीजीटी का था, ये पीजीटी का था, स्नातक है, माफी चाहेंगे, स्नातकोत्तर पीजीटी और स्नातक टीजीटी। ठीक है, बात आती है प्राथमिक शिक्षक को लेकर के, पीआरटी। अब पीआरटी की अगर हम बात करें, 50% या उससे अधिक अंकों के साथ आपका इंटर होना चाहिए। आपका चाहे डीएलएड हो, ध्यान दीजिएगा, आपका चाहे डीएलएड हो, आपका चाहे बीएड हो, बस ये ध्यान रहे आपका कि उसमें 50% या उससे अधिक मार्क्स होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। देखिए दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि सीटेट 125 आपका पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप प्राथमिक के लिए अप्लाई कर रहे हो। हिंदी इंग्लिश में नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, मतलब आप अगर पढ़ाने के लिए आपको बोल दिया जाए कि इंग्लिश में समझाइए कोई चीज़ तो एटलीस्ट आप उसे समझा सके, इसे भी ध्यान में रखिएगा। फिर है कंप्यूटर का साधक ज्ञान वांछनीय है, ये कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो डिज़ायरेबल, हर एक में आपको कंप्यूटर नॉलेज डिज़ायरेबल लिखा हुआ होता है, क्योंकि आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। छोटे मोटे आपने सर्टिफिकेट्स भी किए होंगे, बड़े भी हो सकता है आपने बीटेक वगैरह किया हो, ट्रिपल सी है, डोएक सर्टिफिकेट है, वो सब आपने किया हो, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। कंप्यूटर प्रशिक्षक के लिए कौन जा सकता है, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम कंप्यूटर प्रशिक्षक की बात करते हैं, चूंकि मैंने बीटेक किया हुआ है आईटी से, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर प्रशिक्षक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पद पर मेरा सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस, सीएस या फिर आईटी, मेरा आईटी था तो आईटी भी सीएस में ही इंक्लूड हो जाएगा, आप एलिजिबल हैं। एमएससी अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, एमएससी आईटी किया हुआ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बहुत अच्छे से ध्यान से इनकी चीज़ों को पढ़िएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट लेकर के पहुंच गए और बोले हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें बाहर कर देते थे। ठीक है, आपका डोएक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी ए लेवल का लिखा हुआ है, इस चीज इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। बाकी चीज़ें ये भी है आपका, खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, नर्स हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट क्राफ्ट प्रशिक्षक हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो है बताया हुआ है कि वो आखिर उनकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या कुछ होनी चाहिए। ये तो बात हो गई। जब हम एक नोटिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन ऐसे में एलिजिबिलिटी रखता है या फिर योग्यता को लेकर के, बात आती है आखिर सैलरी कितना पैसे देते हैं भाई यहाँ पर, तो थोड़ा सा हम अब सैलरी की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ सैलरी लिखी हुई है, केवीए सैलरी 2022। इसमें पीआरटी टीचर के लिए आपका जो मंथली सैलरी होती है पीआरटी, अगर आप प्राइमरी में शिक्षक बनते हैं तो 21,250 रुपये आपको मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। वहीं हार्ड स्टेशन, मतलब समझ रहे हो, जैसे नॉर्थ ईस्ट का इलाका होता है, कोई जाना ही पसंद नहीं करता, कुछ और इलाके हैं जो बहुत ही दुर्गम प्रकार के होते हैं, जहाँ कोई जाना जल्दी जो है चाहता नहीं, या ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं, ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती जाने के लिए, वहाँ पर जो सैलरी होती है वो 26,500 होती है, ध्यान रखिएगा। आपकी जो सैलरी होगी पीआरटी की वो यही होगी, इस चीज़ को याद रखिएगा, 21,250 से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। फिर टीजीटी जो है उनका 26,250 है, हार्ड स्टेशन के लिए इतना है पीजीटी की सैलरी, आप देख पा रहे होंगे। और जब हम हार्ड स्टेशंस की बात करते हैं तो ये वही सीआई का मतलब होता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो सैलरी होती है वो 21,250, बाकी 26,250 ये आपको सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी हार्ड स्टेशंस में। जो मैं आपको बता दूं, जो मेरी सैलरी ऐसे में रही है वो ये रही है 26,250, ठीक है, ये रही है सैलरी, क्योंकि IIM जब बात करते हैं ऐसे लखनऊ में वो काफ़ी आपका दूर पड़ता है, तो सैलरी जो है वो 26,250। तो हम आपको बता दें कि ये हो गई सैलरी की बात, आप कौन कौन ऐसे में यहाँ पर एलिजिबिलिटी रख सकते हो, कौन कौन यहाँ पर बच्चे फॉर्म भर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। फॉर्म जो है वो कैसे होता है, फॉर्म मेरे पास है, एक वीडियो में हम फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में हम आपको अलग से बता देंगे कि वो फॉर्म कैसे फिल करेंगे आप। फॉर्म में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात होती है, उसमें किसी भी तरीके की गलती ना हो, सारी डिटेल आपको अपने हाई स्कूल से लेकर के लास्ट तक भरनी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। और इंटरव्यू सबसे मेन चीज, सबसे मुख्य चीज है इंटरव्यू। डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है आपके पास, वहाँ पे आपके पहुँच गए, बट इंटरव्यू में कैसे आपको पेश आना है, कैसे चीज़ें रखनी हैं, क्या कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो हमसे पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था, और भी जो स्टूडेंट से पूछा गया था, वो मैंने वहाँ पर जानकारी ली और मैंने उनको नोट करके रखा हुआ है, ठीक है, कई सारे सवाल। तो
उन सभी के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। आप सभी इच्छुक हैं उस वीडियो के लिए तो जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। बाकी यहाँ पर अगर हम बात करें तो और जो वैकेंसीज हैं आपकी, उनके बारे में भी हम जल्दी ही बात करेंगे, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी आपके पास चांसेस हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, अपने आसपास के केंद्रीय विद्यालय को सर्च करना चाहते हैं तो जैसे आप KVS कानपुर के हैं ना, तो KVS कानपुर करके आप गूगल पे सर्च करिएगा, उससे संबंधित ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, वहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशंस डिस्प्ले हो रहा होगा मोर इन्फॉर्मेशन, वहाँ पर जा करके देखिएगा तो ऑनगोइंग जो वैकेंसीज होंगी वो दिख जाएंगी। ठीक है, लखनऊ वाले के बारे में जो भी है वो अलग से एक वीडियो में मैं बता दूंगा आपको, उसकी तैयारी कैसे आप करेंगे उसके बारे में भी हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसमें अभी समय है। ठीक है, बाकी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप हमारे लिए ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।